पूछना चाहेंगे कि बिट्स पिलाने के बारे में अगर कोई पूछे कि नहीं भाई ये सबसे यूनिक बात था, आप 4 साल बिताए, तुम ये बताओ कि अगर बिट्स को कोई डिफाइन कर पाए कोई चीज, तो ऐसा क्या है जो सबसे अलग है? यार काफी कुछ अलग है वैसे तो, बट अगर वैसे देखोगे कि हाँ हर कॉलेज से अलग सबसे डिफरेंट अगर देखोगे, वो एक्सपोजर यार यहाँ का बहुत बढ़िया एक्सपोजर जो तुमको एज अ स्टूडेंट मिलेगा कि एक तो वैरायटी ऑफ चीज़, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंस का कल्चर है या फिर कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स का कल्चर, मतलब वेरीड कर भाई, मतलब ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले लोग भी उतना ही डिटेल्स है यहाँ पे और उतना ही अपॉर्चुनिटी है, तुम भगवद गीता भी पढ़ना चाहो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब बताओ। सही है यार, इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे हमको जो शॉकिंग लगा था यही कि यहाँ पे जो कोर्स स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा, अटेंडेंस पॉलिसी है, जैसे जीरो अटेंडेंस है तो तुम साथ में और चीज़ें कर सकते हो थोड़ा बहुत, जीरो अटेंडेंस में ये नहीं जीरो ही कर देना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए बट हाँ थोड़ा टाइम निकाल के और चीज़ों में डाल सकते हो, ये कितना लोग जीरो अटेंडेंस में जीरो ही कर देता है कि क्लास ही नहीं जा रहा है, वो भी सही नहीं है बट हाँ ठीक है उसको यूज़ करना चाहिए ऑप्टिमली। तो जो ये जीरो अटेंडेंस हो गया, प्रैक्टिस स्कूल बताए थे, इंटर्नशिप्स वगैरह का मौका लगा, बहुत सारा एक्सपोजर और इवेंट मैनेजमेंट, जैसे कोई भी क्लब डिपार्टमेंट में हो, अलग अलग क्लब है डिपार्टमेंट्स है, ये लोग अलग अलग इवेंट्स कराते हैं पूरे साल भर में अलग अलग, और फेस्ट भी होते हैं जैसे ओएसिस हो गया, कल्चरल फेस्ट होता है हम लोग का, ओएसिस बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स फेस्ट है बॉसम बोलते हैं, साइंस फेस्ट है उसको एपोजी बोलते हैं, ये तीन तो फेस्ट ही होता है साल में अलग अलग टाइम पे, और इसके अलावा जो अपने इवेंट्स हर क्लब डिपार्टमेंट कराता रहता है रेगुलरली, तो ये सब काफी अब जो इनको मैनेज करते हैं उसमें कोई प्रोफेसर कोई कुछ नहीं करता है, सारे बच्चे करते हैं, पैसे भी होंगे लोग भी होंगे और सब चीजों को तुमको मैनेज करना है, तुम पैसा पहले अरेंज करोगे फिर पैसे को यूज करोगे, पैसा जो बच गया उसको सेव करोगे उसको अगले साल यूज करोगे, तो ये सब चीजें करते करते बच्चे काफी कुछ सीखते हैं खुद से करने में, जब करते हो सामने से देखते हो प्रोसेस होते हुए, तो काफी कुछ जो स्कूल लेवल पे नहीं देखे हैं वो यहाँ मिलता है, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है वो सब चीज तो, और मतलब वही मेरे हिसाब से वही जो एक्सपोजर दे रहा है ना कॉलेज वो बहुत सही, अलग अलग फील्ड्स में जिसमें तुमको जाना है उसको करने का, उसको परस्यू करने का इंडिपेंडेंस प्लस ये अलग अलग इवेंट मैनेजमेंट इंटर्नशिप्स ये सब करने का, तो वो जो तुम पूछ रहे कॉलेज चेंज कैसे किया, तो चेंज ऐसे ही करता है, ये चीजें जब करता है बच्चा तो अपने आप वो उसकी पर्सनालिटी बदलती है 4 साल में, और वो जो किड टू मैन और किड टू वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन में था वो यहीं से आता है, तो ये चीज मुझे लगता है बिट्स पिलाने का सबसे यूनिक है और ये बहुत कॉलेजेस में नहीं पाया जाता, एंड इसके लिए थैंकफुल हूँ मैं भगवान से कि मेरा बिट्स में करा दिए, बाकी कॉलेजेस होते हुए भी तो अच्छी बात है। हम तो ज्यादा लोग से मिले नहीं पर बीच बीच में आजकल हम मतलब सेकंड सेमेस्टर हो गया, फर्स्ट सेम में बहुत कनेक्टेड नहीं रहे किसी से भी, मतलब पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, हम एडजस्ट नहीं कर पाए ऑनलाइन, होता है यार होता है, हमारा भी पर्सन वही वैसे ही निकल गया था, हम एक बच्चा से बात की मतलब मेरा ही बैच है उससे मतलब कुछ ऐसे बात हो रहा था, मेरे को अच्छा लगा वो कभी मीट मिले, तुम बोले भाई उसको फोन किए बोले क्या हाल था तुझसे, तो फिर बात करते करते मेरे को पता चला इतना खतरनाक आदमी है, उसका स्टार्टअप 2 स्टार्टअप चला रहा है वो भी फर्स्ट ईयर में, तो हम शॉक हो गए, हम सोचते यार कैसे मतलब हमको गिली नहीं मैम उस पर, हमको उस पर प्राउड लग रहा है। हाँ सही में बहुत फ्रेंड्स मिलेगा जो उससे सीखने का मन करेगा यार, बोले भी थे लोगों से बात करोगे और उनसे सीखोगे ना वो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है, उसमें काफी कुछ सीखने मिलता है, कितनी बार होता है तुम्हारा अप्रोच बेस्ट नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, एक कहीं पे बड़ा अच्छा कोट पढ़े थे कि इफ यू आर द बेस्ट इन योर ग्रुप देन यू आर द इन द रॉन्ग ग्रुप, कि अगर तुम बेस्ट हो तो फिर तुम इम्प्रूव नहीं करोगे ना वहाँ पे, किसी और को देखोगे यार ये कितना अच्छा कर रहा है, इसका आईडी देखो ये कितना सही दिमाग लगा, उसे सीखना है, ये नहीं कि यार अबे देखो यार हमसे तो ये भी आगे निकल गया, वैसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिवली, अरे यार देखो कितना अच्छा किया, हम भी तो सोच सकते हैं ऐसा कुछ, जो कुछ बढ़िया करो कुछ देखो। सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट बिट्स पिलानी, सो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स गिनाना चाहेंगे जो आपको लगता है कि बेस्ट थिंग्स है बिट्स पिलानी के, मतलब ये आप दूसरे कॉलेज में नहीं खोज पाएंगे या फिर दूसरे कॉलेज में मिल भी जाए but it is one of the best things. So this is fairly easy. मतलब हमारे कॉलेज की बहुत यूनिक बात है जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती. First of all, we get to make our own timetable. So we get to decide which professor we teaches. We get to decide which electives we'll take. कौन सी फील्ड में हमको इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड में हमको क्यूरियोसिटी है, हमको लेने का मन है, इंटरेस्ट होना वो देखा जाएगा. It helps us explore. This flexibility मैंने जहाँ तक देखा है इंडिया में और किसी इंस्टीट्यूट में है नहीं. दिस फ्लेक्सीबिलिटी इज इम्प्रूव बाय द फैक्ट दैट हमारा नो अटेंडेंस पॉलिसी है, खुद का कोई इनिशिएटिव ले रहे हो, जैसे कोई वीडियोज बना रहे हो, किसी बंदे का स्टार्टअप है, कोई अपने खुद का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहा है, दे हैव रिकॉग्नाइज दैट दिस इज देयर पैशन
कोर्सेज ऑन द साइड करने हैं, ऑब्वियसली करने हैं, डिग्री खत्म करनी है, इवन हो सकता है जॉब भी लेनी है, बट यू रिकग्नाइज दैट देयर इज अ पैशन जिसके लिए तुमको कुछ क्लासेस छोड़ना आपको कर सकते हो. द फ्लेक्सिबिलिटी दैट नो अटेंडेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स, हाउएवर अब्यूज्ड इट इज बाय द स्टूडेंट्स, इज वेरी नाइस. इफ यू यूज इट इन द राइट वे, इट्स वेरी एसेंशियल टू योर ओवरऑल ग्रोथ. अपॉर्चुनिटीज में आओ तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है. अगर तुम मेल हर घंटे खोलो तो एटलीस्ट एक ईमेल आया रहता है ऑफरिंग समथिंग न्यू, समथिंग यू नेवर हर्ड ऑफ एंड समथिंग यू माइट बी इंटरेस्टेड इन. एंड अगर तुम सारी चीजों के लिए तुम बहुत एवरीथिंग विच यू हैव इन द मेल नहीं कर पाओगे, तो अपने इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए अगर मेल चेक करते रहे एंड सिर्फ मेल में जितनी चीजें आ रही है ना उनको फॉलो करते रहे, उनपे पार्टिसिपेट करते रहे, दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर यू टू डिसाइड विच फील्ड टू गो इन, फॉर यू टू एक्सेल एट अ पर्टिकुलर फील्ड. एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मेल के, बाकी सीनियर्स के थ्रू, बैचेस के थ्रू, एलुमनाई के थ्रू चीजें मिलती रहती है. बट मैं तो इतने कहता हूँ अगर तुम रेगुलरली मेल चेक करते रहो इट्स मोर देन एनफ फॉर यू टू गेट वेरी वर्क. थर्ड थिंग कहूंगा प्रैक्टिस की सिस्टम, इट्स अनबीटेबल, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. चाहे जितना पोस्ट लोड सिस्टम को, इट्स वेरी गुड, बाद में पता चलेगा, इट्स वेरी गुड फॉर आवर ओन पर्सनल ग्रोथ, फॉर आवर ओन रेज्यूमेस, इट्स वेरी नाइस. बिकॉज जिन कंपनीज में, एटलीस्ट आई टॉक फॉर माई सेल्फ, मैंने इंटर्नशिप किया है ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस स्टेशंस, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू विदाउट हेल्प ऑफ प्रैक्टिस स्कूल, विदाउट दी हेल्प ऑफ पीएससी. तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव भी होता रहता है. एंड हम लोग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा झेल जाते हैं, हम लोग प्रेफरेंस है, चीज़ें भरनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नेगेटिव ऑन आवर पार्ट, बट बाद में पता चलता है कि कितनी पॉजिटिव चीज़ थी है, कितना ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए. दीज आर द थिंग्स दैट कम टू माई माइंड राइट अवे, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव थॉट टू माई सेल्फ पहले, दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी नाइस. बाकी अगर ये तीन कॉन्क्रीट चीजें थी, उनके अलावा थोड़ी चीजें हैं जो ह्यूरिस्टिकली बहुत ज्यादा अच्छी है. फॉर एग्जाम्पल यू गेट वेरी नाइस क्लासमेट्स, यू गेट वेरी नाइस सीनियर्स, जिनके साथ अगर तुम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करो, यू फाइंड योर ओन इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेक्ट विद देम, दे विल ऑलवेज हेल्प यू ग्रो. इतना अच्छा पीयर सिस्टम मिलता है कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन ओपन अ स्टार्टअप, यू कैन ओपन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट टू, सिर्फ इस पे बाकी यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड. यहाँ पे इनफ क्रीम मिल जाती है स्टार्ट करके राइट अवे. बहुत ही अंडररेटेड चीज हमारे कॉलेज के बारे में प्रोफेसर्स और उनका टैलेंट. प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हेल्पफुल एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल. ये जो पूरा नॉलेज बेस है प्रोफेसर्स का, इट्स वेरी अंडर यूज, मैंने जहाँ तक पर्सनली देखा है. एंड इफ यू गो अहेड एंड एक्सप्लॉइट इट, यूज इट टू योर एडवांटेज, बहुत ज्यादा फायदा. प्रोफेसर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. कोई लंबा परस्यूट है तुम्हारा, इफ यू आस्क देम कि भाई सर आके मेंटर कर दो हमको फॉर दिस परस्यूट ऑफ आवर्स, दे विल डू इट. दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हेल्प अस गेट अहेड.